हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नावाइब। आज हम पहाड़ी खान पान पर बनाने जा रहे हैं गेठी की सब्जी। गेठी ये देखिए आलू जैसी है दिखने में, को बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर की है और बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर ये एक कंदमूल है जो कि हिमालय के तलहटियों में होता है। ये तो ये जो गेट इसको यहाँ गेठी कहते हैं, और ये जो गेठी है ये सिर्फ इंडिया में नहीं, अफ्रीकी कंट्री, ब्राजील वगैरह में भी ये खाई जाती है और जापान में भी इसका सेवन किया जाता है। तो ये बहुत औषधीय गुणों से भरपूर गेठी है। तो इसको आप लोग आज मेरे साथ बनाइए और खाइए। गेठी की सब्जी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट की जरूरत है वो है ये सब नॉर्मल से, जो कि घर में को हमेशा उपलब्ध होते हैं उन्हीं इंग्रेडिएंट में बनेगी। और सबसे पहले हम इसे बॉईल कर लेंगे क्योंकि ये सख्त होती है, आलू से ज़्यादा सख्त होती है ये। तो इसे हम 3 सीटी कुकर में को लगाएंगे। तो इसे हम पहले बॉईल करेंगे, उसके बाद हम गेठी की सब्जी बनाएंगे। ये है जीरा, ये प्याज मैंने चॉप करके ले लिया है, 2 मीडियम साइज के प्याज हैं ये, 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं, और ये है लहसुन और अदरक ग्रेट करके, और ये गेठी है जिसकी बनेगी सब्जी। ये देखिए ये गेठी ऐसे होती है। अब हम पहले इसे बॉईल करेंगे अच्छे से क्योंकि ये बहुत सख्त होती है। तो इसे कम से कम कुकर में 3 सीटी हम बॉईल करेंगे। यह है गेठी और मसाले, नमक, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर। मिर्च नमक अपने हिसाब से डालना है, और मिर्च डाले नहीं डाले ऑप्शनल है। तो ये है मसाले। अब बनाना शुरू करते हैं गेठी की सब्जी। सबसे पहले करते हैं गेठी बॉईल। कुकर में 3 नहीं मैंने 4 सीटी लगाई, 1 सीटी हाई फ्लेम में और 3 सीटी लो फ्लेम में को लगाई। गेठी बॉईल हो गई है, दबने लग रही है, और जो इसे बॉईल करा उसके बाद इसका कलर देखो, पानी का कलर बिल्कुल मैरून कलर का सा हो गया। अब गैस की हाई फ्लेम में रखा एक बर्तन, उसमें डाला सरसों का तेल 1 टेबल स्पून, और इसको जीरे से लगाया तड़का। अब इसमें डालेंगे हम प्याज, और प्याज को अच्छे से हम गोल्डन भून लेंगे। ये देखिए प्याज भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट या ग्रेट किया हुआ। अदरक लहसुन को भी हम भून लेंगे, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ टमाटर। टमाटर डाल करके अच्छे से ऊपर नीचे हम मिला लेंगे, और फिर इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक डालते ही टमाटर गलने लगते हैं। और ये देखिए अच्छे से हम इसे मिला लेंगे, और फिर 2 मिनट के लिए इस पर ढक्कन रख देंगे। तो ढक्कन ये भाप से एकदम से टमाटर गल जाएंगे। अब ये टमाटर गल गए हैं, और अब हम इसमें मिलाएंगे और मसाले। तो पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, फिर थोड़ा सा गरम मसाला, फिर डालेंगे हम थोड़ा सा और नमक, और फिर डालेंगे धनिया पाउडर। बस सब मसाले डाल दिए। अब इसको हम थोड़ा मिला लेंगे अच्छे से, और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे पानी जिससे कि मसाले जले नहीं। और फिर हमने इसे मिलाया, और ये है बॉईल गेठी जिसे मैंने छोटे छोटे क्यूब में काट लिया है। और अब हम इसे डाल देंगे बर्तन के अंदर मसालों के साथ पकने के लिए। अब ये देखिए इन्हें मिक्स कर दिया अच्छे से, और ये हम ऐसे ही सूखी भी खा सकते हैं, बहुत अच्छी होती है। लोग इसे खाली बॉईल करके भी खाते हैं, वो मेडिसिन के काम आती है। ये देखिए कितना अच्छा कलर है। और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी जिससे कि ये थोड़ी लटपटी सी हो जाए,
और खाने में बड़ी स्वाद हो। ऐसे ही पहाड़ी खान पान के वीडियो देखने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।